शुभ सन्ध्या बंधुरा आज 30 सेप्टेम्बर शुक्रवार आजकेर सन्ध्यार विशेष विशेष खबर हलो रेशन कार्ड ग्राहकदेर समझे देवार निर्देश। रेशन कार्ड निये बिराट निर्देशिका जारी प्रशासनेर, ए ब्यापारे विस्तारित थाकबे प्रतिबेदने। मासे शुधु 2टी सिलिंडार, बछरे सर्वोच्च 15टी। सिद्धांत केंद्रेर रान्नार ग्यासेर कालोबाजारि रुखते बिराट पदक्षेप। अर्धनग्न अवस्थाय दफ्तरे कर्मरत राज्य सरकारेर कर्मी भाइराल भिडियो। फकिरटिला कर्णमधु संयोगी सेतु 1 मासेर मध्ये निर्माणेर आश्वास विधायक कमलाकर। फलक लागिए अर्थ आत्मसात प्रतिबादे सुच्चार हरिशनगरेर जनता। चंडीचरण रोड शशान रोड हये अटोरिक्शा चलाचल, यात्रीदेर भोगान्ति चरमे, गुनते होच्छे द्विगुण भाड़ा। मत्स्य व्यवसायीदेर जन्य विशेष सुविधायुक्त रेफ्रिजारेटर भैनेर यात्रा शुरू करलेन विधायक दीपायन चक्रवर्ती। बनतारापुरे होच्छे महिला मार्केट, बोलेन विधायक करीमुद्दीन बड़भुइया। इमापान्तबी इरातलुपेर सप्ताहव्यापी रजत जयंती अनुष्ठानेर सूचना। एकेर पर एक दुर्घटना घटिये स्कूलेर सीमानार देवाले गिये थामलो गाड़ी। गणिर ग्रामे एकाधिक गाड़ीते बेपरवा इनोभार धक्का। मुस्लिम मेरा शिक्षित होले समाज और राष्ट्रेर उन्नति होबे, बोलेन प्राक्तन विधायक आमिनुल। संख्यालघु कमिशनेर चेयरमैन के संबर्धना युव समाजेर। आगामी बछरेर अक्टोबर थेके गाड़ीते न्यूनतम 6टी एयारबैग बाध्यतामूलक करा होच्छे, विस्तारित थाकबे प्रतिबेदने। एबार बंद हलो पपुलर फ्रंट अफ इंडियार समस्त वेबसाइट और टुइटार अकाउंट। एवं सर्वशेष खबरटी हलो हमलार आशंका, मुकेश आम्बानी के Z+ निरापत्ता देवार निर्देश केंद्रेर। एबारे शुनुन विस्तारित खबर। प्रतिदिनेर सकाल सन्ध्यार गुरुत्वपूर्ण खबराखबर पेते अवश्यई चैनलटी फलो करे भिडियोटी शेयर करुन। हाइलाकांदीते गणबंटनेर रेशन सामग्री ग्राहकदेर हाते तुले देवार परो एकांश न्याय्य मूल्येर दुकानी बा रेशन दुकानीरा ग्राहकदेर रेशन कार्ड निजेदेर हाते रेखे देवार विषयटी जेलार खाद्य ओ असामरिक सरबराह विभागेर नजरे एसेछे। एर प्रेक्षिते विभागीय असिस्टैंट डिरेक्टर एक निर्देशे रेशन दुकानीदेर गणबंटनेर सामग्री वितरणेर पर रेशन कार्डे लिपिबद्ध करे ता ग्राहकदेर हाते तुले दिते आदेश दियेछेन। जे रेशन दुकानी ग्राहकदेर रेशन कार्ड रेखे देबेन तादेर लाइसेंस बातिल करते सरकार थेके निर्देश आसार पर एई आदेश देवा हयेछे। अपरदिके घरुआ रान्नार ग्यासेर सिलिंडार किने वाणिज्यिक काजे व्यवहार होच्छे एई अभियोग दीर्घदिनेर। एबार एई कालोबाजारि रुखते बड़सड़ो पदक्षेप करछे केंद्र। रान्नार ग्यासेर घरुआ सिलिंडार केनार सीमा बेधे दिच्छे केंद्र। एबार थेके आर मासे 2टोर बेशी रान्नार ग्यास सिलिंडार किनते पारबेन ना साधारण ग्राहक। आर एक बछरे सर्वोच्च 15टी ग्यास सिलिंडार केना जाबे। आसले अनेक क्षेत्रेई देखा जाय घरुआ रान्नार ग्यास प्रयोजनेर अतिरिक्त किने कालोबाजारि करछेन ग्राहकरा। सेई ग्यास बिक्री करे देवा होच्छे होटेल रेस्तुरा खाबारेर दुकान बा अटो चालकदेर काछे। ताते ग्यास संस्थागुलिके लुकसानेर सम्मुखीन होते होच्छे। कारण नियम अनुयायी होटेल रेस्तुरांगुलिर वाणिज्यिक गैस सिलिंडार केनार कथा, जा साधारण रान्नार गैसेर थेके अनेक दामी। व्यवसायीरा खरच कमातेई कालोबाजारी करे साधारण ग्राहकदेर काछ थेके गैस सिलिंडार केनेन। दामेर फाराकेर जन्यई व्यवसायीरा बेआइनिभाबे घरुआ गैस व्यवसार काजे व्यवहार करछेन, सेटा रोकतेई एई कड़ा व्यवस्था। अपरदिके एकेर पर एक दुर्घटना घटिये स्कूलेर सीमानार देवाले गिये थामलो गाड़ी। घटनाटी काछाड़ेर काटीगुड़ार गणिग्राम बाजारे बृहस्पतिवार। एते 3 व्यक्ति आहत होवार पाशापाशि क्षतिग्रस्त हयेछे कयेकटी यानबाहनओ। गाड़ी चुरी करे पालाते गिये चालक एमन कांड संघटित करेछे बले पुलिशेर सन्देह। सन्देहजनक गाड़ी चोरके आटक करछे पुलिश। बृहस्पतिवार भोर दोपुर बड़जात्रापुरेर दिक थेके द्रुत गतिते एसे काटीगुड़ार गणिग्राम बाजारे एकेर पर एक दुर्घटना संघटित करे एक इनोभा। स्थानीय सूत्रेर खबर, इनोभाटी द्रुत गतिते गणिग्राम बाजारे एसे प्रथमे एकटी मैजिक ट्राके धक्का दिये एगिये एसे एकटी टुकटुकी, 2टा बाइके धक्का दिये एकटी अल्टोते धक्का मारे। एरपर गणिग्राम हायार सेकेंडारि स्कुलेर सीमानार देवाले धक्का दिये देवालेर एकांश भेंगे देय। एते 3 जन आहत हन। आहतदेर स्थानीयरा उद्धार करे निकटवर्ती हासपाताले निये जान। इनोभार चालक खैरुल इस्लामके आटक करे एक दुकाने निये रखा हय। तार बाड़ी काटीगुड़ार दूधपुर ग्रामे बोले जाना गेछे। एरपर खबर पाठानो हय काटीगुड़ा थानाय। खबर पावार पर घटनास्थले पौंछाय पुलिश। इनोभा सह चालक खैरुलके थानाय निये आसे पुलिश। सूत्रेर खबर, इनोभा गाड़ीटी चुरी करे पालाते गिये एई कांड संघटित करेछे खैरुल। स्थानीयरा जानान दुर्घटनार किछुक्षण परेई बड़जात्रापुरेर कयेकजन लोक घटनास्थले हाजिर हये इनोवाटी निजेदेर बोले दाबी करे गाड़ीटी निये जेते चान किन्तु पुलिश घटनास्थले पौंछतेई ओई लोकगुलो घटनास्थल थेके उदाव हये जान। मजार कथा हलो उत्तर प्रदेशेर पंजीयन थाका इनोवा गाड़ीटी निजेर बोले दाबी करछे दुर्घटना संघटित करा चालक खायरुल। अन्यदिके बड़जात्रापुर थेके एक व्यक्ति थानाय हाजिर हये इनोवाटी तार बोले पुलिशेर काछे दाबी करछे। अर्थात दुर्घटनाकारी इनोवाटीर मालिकाना दाबी करछेन दुइजन लोक। प्राथमिक तदंतेर पर पुलिशेर सन्देह उत्तर प्रदेशेर पंजीयन थाका एई गाड़ीटी चुरी होते पारे, कारण एखोनो पर्यन्त गाड़ीटीर नथिपत्र देखाते पारेनि कोनो पक्ष। फले गाड़ी चुरी करे पालाते गिये खैरुल एमन कांड घटियेछे बोले पुलिशेर सन्देह। अपरदिके आसाम सरकारेर मत्स्य विभागेर अधीने सुविधा प्रापकदेर जन्य विशेष सुविधायुक्त रेफ्रिजारेटर भ्यानेर फ्लैग अफ करे यात्रा शुरू करलेन शिलचरेर विधायक दीपायन चक्रबर्ती। बृहस्पतिवार शिलचरेर मत्स्य विभाग कार्यालये एई उद्देश्ये एक संक्षिप्त अनुष्ठानेर आयोजन करा हय। अनुष्ठाने बक्तव्य पेश करते गिये विधायक बोलेन, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मार नेतृत्वाधीन आसाम सरकार मत्स्य विभागेर जन्य प्रचुर काज करछे। अत्याधुनिक भेंटिर नाना सुविधार प्रसंग तुले धरे विधायक बोलेन, नदी किंबा बिल थेके माछ तोलार पर सेगुलो विभिन्न बाजारे बिक्री करते आनार समय जाते नष्ट ना हय एर जन्य एई विशेष भेंटिर व्यवस्था करेछे राज्य सरकार, जा माछके ताजा राखते यथेष्ट कार्यकरी बोलेन तिनि। एई विषये चिंता करे आसाम सरकार आरआईडीए फांड थेके हिताधिकारीर जन्य 15 लक्ष टाका मूल्येर एई भेंटिर व्यवस्था करेछे, जेखाने सरकार 80% सबसिडी बहन करबे। अन्यदिके बेनिफिशियारि शुधुमात्र 20% बहन करबे बोलेओ जानान दीपायन। हिताधिकारी रवींद्र दासेर हाते रेफ्रिजारेटर भेंटि आनुष्ठानिकभावे एदिन समझे देवा हय। अपरदिके काटलीचुड़ा ब्लकेर हरिशनगर जीपीते उन्नयनमूलक काजे व्यापक अनियम और दुर्नीतिर अभियोग तुले प्रतिबादे सुच्चार हलेन एलाकार जनगण। MG NREGA कर्मसूचिर अधीने प्रकल्प ग्रहण करे फलक लागिए काजेर सूचना ना हले वास्तवे कोनो काज ना कराय जनगण दुर्भोग पोहाच्छेन। हरिशनगर जीपीर खालरपर ग्रामेर साधारण मानुष बुधवार समबेत हये जीपी सभापतिर बिरुद्धे दुर्नीतिर अभियोग तुले प्रतिबाद जानान। ग्रामबासीदेर पक्षे रहीमुद्दीन मजुमदार, मिठन दास, मिठू मालाकार, विकास दास, जहिरुद्दीन, अनुकूल दास, विपुल मालाकार, विदु दास प्रमुख एदिन जीपीर सभापतिर बिरुद्धे विभिन्न स्लोगान दिए एलाकार परिवेश उत्तप्त करे तुलेन। रहीमुद्दीन मजुमदार एदिन अभियोग करे बोलेन, 2019-20 सालेर MG NREGA प्रकल्पेर माध्यमे खालरपार LP स्कूल थेके हाराननाथ LP स्कूल पर्यन्त रास्ता निर्माणेर जन्य फलक उन्मोचन करा हलेओ वास्तवे तेमन कोनो काज करा हयनि, जार फले बर्तमाने रास्ताटी रीतिमतो बेहाल हये पड़ेछे, जार फले एलाकार जनगण दुर्भोग पोहाच्छेन। क्षुब्ध नागरिकरा ए ब्यापारे तदन्तक्रमे विहित पदक्षेप ग्रहणेर जन्य जिला परिषदेर चीफ एक्सिक्यूटिव अफिसार जयदीप शुक्ला और काटलीचुड़ा ब्लकेर विडिओ रुजी एल सिंहसमेर दृष्टि आकर्षण करेछेन। अपरदिके सारा विश्वे पथ दुर्घटनाय मृत्युर निरिखे शीर्षस्थाने रयेछे भारत। कयेक मास आगे राज्यसभाय एमनई तथ्य जानिয়েছিলেন केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। बृहस्पतिवार ट्वीट करे गडकरी जानालेन, आगामी बछरेर 1 अक्टोबर थेके गाड़ीते अंतत 6टी एयारबैग राखतेई होबे। गडकरी জানিয়েছেন, গাড়িতে সফররত যাত্রীদের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। তবে প্রথমে আগামী অক্টোবর থেকে এই নতুন নিয়ম চালু করার কথা শোনা গেলেও বৃহস্পতিবার নিতিন গডকরি জানিয়েছেন এই নিয়ম আগামী বছর থেকে বাধ্যতামূলক করা হবে। প্রসঙ্গত গত মাসে পথ দুর্ঘটনায় সাইরাস মিস্ত্রির মৃত্যুর পর থেকে ট্রাফিক ব্যবস্থা ও পরিবহনের ত্রুটির দিকগুলি নতুন করে আলোচনায় উঠে আসতে থাকে। ए मासेर शुरूतेई केंद्रेर तरफे गाड़ीर समस्त यात्रीर सीट बेल्ट परा बाध्यतामूलक करा हयेछे। साइरास मिस्त्रीर दुर्घटना फेर सेई प्रसंगई जेन नतून करे तुले धरे जाना जाय, दुर्घटनार आगे 9 मिनिटे 20 किलोमीटर रास्ता पेरिएछिलेन साइरास मिस्त्री। घंटाय प्राय 135 किलोमीटर बेगे चलछिल दुर्घटनाग्रस्त गाड़ीटी, परेननि सीट बेल्टो। अतिरिक्त गतिर जेरेई तार मृत्यु एमनटाई जाना गियेछिल। तखनई गडकरी प्रश्न तुलेछिलेन, केन गाड़ीते 6टी एयारबैग राखा होबे ना। एई धरनेर दुर्घटना रोकते नया नियम लागू करते चलेछे केंद्र। अपरदिके महिलादेर स्वाबलम्बी करे तुलते बनतारापुरे प्रस्तावित महिला बाजारेर काज शुरू होबे এবছরের শেষ দিকে। এই বাজার তৈরির জন্য বরাদ্দ হয়েছে 55 লক্ষ টাকা জানালেন সোনার বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভুইয়া ওরফে সাজু। बृहस्पतिवार बनतारापुरे मणिपुरी सम्प्रदायर इमा पान्तैबी इरातलूप संगठने रजत जयंती अनुष्ठानेर सूचना करे भाषणे एई तथ्य देन विधायक। अनुष्ठाने प्रधान अतिथि हिसेबे अंश नियेछिलेन तिनि। এছাড়াও সাজু আরও জানান ওই এলাকায় নদীভাঙ্গন প্রতিরোধের কাজ আগামী মার্চের মধ্যেই সম্পন্ন করা হবে। শীঘ্রই শুরু হবে মণিপুরী সম্প্রদায়ের বরাক মিউজিয়ামের কাজও। এদিন ইমা পান্তইবি ইরাতলুপ সংগঠনের মঞ্চ নির্মাণের জন্য তার এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে 5 লক্ষ টাকা বরাদ্দ করার ঘোষণাও দেন বিধায়ক। অপরদিকে রিলায়েন্স কর্তা মুকেশ আম্বানির নিরাপত্তা বৃদ্ধি করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। মুকেশ আম্বানিকে একেবারে Z+ নিরাপত্তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত তিনি Z ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পেতেন, এবার তার নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হলো। মূলত তাকে হুমকি দেওয়া হয়েছে। এই গোয়েন্দা রিপোর্টের ভিত্তিতে মুকেশ আম্বানির নিরাপত্তা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানি বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শিল্পোদ্যোগীর তালিকায় তার নাম। সেই মুকেশ আম্বানির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার ব্যাপারে সচেষ্ট কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর। সূত্রের খবর, এবার অন্তত 58 জন কমান্ডো ঘিরে থাকবেন মুকেশ আম্বানিকে। একেবারে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা বলয় তৈরি হবে দেশের এই নামকরা শিল্পোদ্যোগীকে ঘিরে। অ্যান্টিলা বিস্ফোরক সংক্রান্ত ঘটনার জেরে সেই আলোচনা জোর কদমে শুরু হয়। আম্বানির বাসভবনের কাছে একটি স্করপিও গাড়ি থেকে বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছিল। তারপর গোটা বিষয়টিকে একেবারেই হালকাভাবে নেননি গোয়েন্দারা, সব দিকে নজর রাখা হচ্ছিল। অবশেষে সার্বিক নিরাপত্তা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত। অপরদিকে পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া ও এর 8টি শাখা সংগঠনকে নিষিদ্ধ করার একদিন পরেই সংগঠনটির টুইটার অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনে কেন্দ্র পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া ও তার সহযোগী 8টি সংস্থার সোশ্যাল মিডিয়া বন্ধের নির্দেশ দিয়েছিল। সেই নির্দেশ মেনেই এবার বন্ধ করে দেওয়া হলো PFI'র সমস্ত টুইটার অ্যাকাউন্ট। বৃহস্পতিবার সকালে টুইটার কর্তৃপক্ষের তরফে নিষিদ্ধ সংগঠনটির সব অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, দেশ জুড়ে PFI সংগঠনের বিরুদ্ধে NIA-EDর অভিযান চালানোর পরই বুধবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে 5 বছরের জন্য PFI'কে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়। বেআইনি কার্যকলাপ আইনের অধীনেই এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। কেরল সহ একাধিক রাজ্যে আগে থেকেই নিষিদ্ধ এই সংগঠনের উপরে জাতীয় স্তরে নিষেধাজ্ঞা জারির কারণ হিসাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে বিবৃতিতে জানানো হয়, পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া নামক উগ্র মৌলবাদী সংগঠনের সঙ্গে বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠন জামাত-ul-মুজাহিদিন ও সিরিয়ার ISIS জঙ্গি সংগঠনের যোগ পাওয়া গিয়েছে। দেশবিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত থাকায় ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে আর্থিক মদত দেওয়ার কারণেই এই সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। আজকের বিশেষ সংবাদ এখানেই সমাপ্ত।